ठंड में गरीब सास की पांच बहुओं का एक कंबल। कितनी सर्दी हो रही है। बहुओं, तुम पांचों ही पेट से हो और ऐसी हालत में तो ठंड और भी ज्यादा लगती है। मेरी मानो तो तुम पांचों ही कंबल ओढ़कर लेट जाओ, घर के काम मैं देख लूंगी, न जाने मेरे लाल कब वापस आएंगे। जैसे ही दूसरे शहर की बर्फबारी कम हो जाएगी हम सभी के पति वापस आ जाएंगे। आप ज्यादा उनकी चिंता मत करो माँ। कैसे चिंता ना करूँ, यहाँ घर में सर्दी से तुम पांचों की हालत खराब है, वहाँ दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से मेरे बेटे दूसरे शहर जाकर फंस गए हैं, और तुम कहती हो कि मैं चिंता ना करूँ। हाँ माँ जी, मोहिनी जेठानी जी तो बस सभी को सीख ही देती रहती हैं। अभी मैं कंबल लेकर बैठ गई थी तो ये मुझे भी अपना भाषण सुना रही थी। ओहो कंबल कंबल, अरे कभी सोचा है कि इस एक कंबल ने हमारे बीच कितनी फूट पैदा कर दी है। तभी मोहिनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उन्हें अंदर कमरे से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। अरे अब ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सभी जल्दी से भागते हुए कमरे की तरफ गए। वहां पहुंचकर आशा ने देखा कि उसकी दो बहुएं जानवर की तरह कंबल को खींच रही थी। अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो, ज्योति और आंचल, कंबल फट जाएगा, इसे ऐसे मत खींचो। देखिए ना माँ जी, मेरा सर दर्द कर रहा है और साथ ही मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन ये है कि मुझे ये कंबल लेने ही नहीं दे रही। माँ जी मैं भी गर्भवती हूँ और आप जानती हो मुझे इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन मेरी मतलबी जेठानी को सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा है। आज मैं इन्हें ये कंबल नहीं दूंगी, इस कंबल में सिर्फ अब मैं ही बैठूंगी। ओहो हो, तुम्हारी इस रोज की कंबल की लड़ाई से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर ये बर्फबारी ना होती तो इसकी वजह से मेरे बच्चे वहाँ दूसरे शहर में ना फंसते, तो ऐसी कोई भी नौबत ना आती। हमारे घर में खूब कंबल रजाइयाँ होती, लेकिन अब अगर तुम्हारे पति मजबूरी में यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो क्या तुम सभी कुछ दिन प्यार से मिल बांट कर गुजारा नहीं कर सकती हो? लाओ दिखाओ इस कंबल को, मुझे दो, और रात होने से पहले कोई भी इस कंबल को हाथ नहीं लगाएगा। आशा कंबल को लेकर चली गई। पांचों बहुएं ठंड में पूरा दिन यूं ही ठिठोरती रहीं, लेकिन ये सब लड़ाइयों से बेहतर था, और इसी तरह से रात हो गई। आ जाओ बहुओं, आज ठंड बहुत ज्यादा है तो आज सभी सवेरे से कंबल में घुस जाओ। बिल्कुल सासू माँ। ये लीजिए, मैंने अभी सभी के लिए लाल चाय बना दी है, इसे पीते हुए कंबल में बातें करेंगे। अरे वाह, पांचों प्रेग्नेंट बहुएं अपनी सास के इर्द गिर्द कंबल में बैठ गई और लाल चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करने लगी। चलो अब बहुत देर हो गई है बातें करते करते, अब तुम सभी भी सोने को लेट जाओ, मैं भी सो रही हूँ। आशा अपनी बहुओं के साथ कंबल में लेट गई। वहीं तीन बहुएं उसके सीधे हाथ की तरफ थी और दो उल्टे की तरफ। बीच में सोने वाली बहुएं तो आराम से सो रही थी, लेकिन कोने वाली बहुओं को कंबल बहुत ही कम मिल रहा था। अरे मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, मेरे पास कितना कम कंबल है, अब कुछ गर्माई मिलेगी। अरे ये अचानक से मुझे इतनी सर्दी क्यों लगने लगी, उठकर देखती हूँ। ओह अच्छा, तो मेरी प्यारी देवरानी ने अपने नीचे इतना सारा कंबल दबाया हुआ है, अभी खींचती हूँ। हिमांशी ने अपनी तरफ को कंबल खींचा, जिसकी वजह से गौरी की आंख खुल गई। क्या कर रही हो जेठानी जी, क्या सारा कंबल आप ही ओढ़ लोगी? सारा कंबल तुम अपने नीचे दबाए हुए पड़ी हो और मुझसे बोल रही हो? ओहो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह वाह। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा तो चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी को सच करती हूँ। हिमांशी ने पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लिया और इस खींचा तानी और चिकचिक की वजह से बाकी लोगों की भी आंख खुल गई। अरे क्या है, कौन उधर मचा रहा है? देखा गौरी, तुम्हारी वजह से सभी की नींद खराब हो गई। मेरी नहीं, आपकी वजह से। ओहो ये क्या तुम दोनों ने ही चिकचिक बाजी लगा रखी है, ये बताओ कि तुम दोनों इतनी रात में लड़ क्यों रही हो? माँ जी ये कंबल। ओह तो फिर से ये कंबल ही मेरे घर की लड़ाई की जड़ बन रहा है, इस कंबल को तो रुको मैं अभी जलाकर राख कर देती हूँ, कम से कम इस रोज की लड़ाई से तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं सासू माँ ऐसा मत बोलिए, ये कंबल ही हमारी ठंड का अकेला साथी है। तुम दोनों ने बेवजह सी बात पर हम सभी की नींद का कचरा कर दिया। देखो बहुओं, मैं जानती हूँ कि पांच लोगों के सोने के हिसाब से ये कंबल छोटा है, लेकिन जरा सब्र करो, हम लोग नया कंबल भी ले आएंगे।
न जाने कब वो दिन आएगा। इस गरीबी की वजह से हमें दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। ऐसे में नए कम्बल के तो ख्वाब भी हमारे लिए गुनाह जैसे हैं। ऐसा मत बोल बहू, वैसे बोल तो तू सही ही रही है। हमारे तो घर में चाय भी लाल बनती है। रोजाना तुम्हारी गर्भवती हालत में तुम्हारी खिलाई पिलाई के लिए तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। न जाना ये नया कम्बल कैसे आएगा। सासू माँ, आप इतनी रात में ये सब बातें सोचकर टेंशन मत कीजिए। और आप दोनों, आप ही क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो? अच्छा, आप किनारे की तरफ नहीं थी ना, इसलिए आपको हमारा बर्ताव बच्चों जैसा लग रहा है। चलो चलो, अब सभी चुप करो। तुम पांचों इस कंबल के अंदर सो जाओ, मैं इससे बाहर सो जाऊंगी। लेकिन आप कहाँ पर सोओगी माँ जी? मैं ये ठंडे चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन में ही तुम्हें कुछ तो दे नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये छोटा सा त्याग तो कर ही सकती हूँ। तुम पांचों आराम से सो जाओ, मैं चादर के अंदर सो जाऊंगी। आशा बुढ़ापे की हालत में भी चादर ओढ़कर लेट गई। आशा की पांचों बहुएं आदत से बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अपनी सास को ऐसे कंबल से बाहर लेटा देखकर एक भी बहू को अच्छा नहीं लगा और वो सभी आशा के पास आकर खड़ी हो गई। क्या है, मुझे घेर कर क्यों खड़ी हो गई हो? माँ, हमें आपके बिना सोने में तो नींद भी नहीं आएगी। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत होइए। तो फिर मैं क्या करूँ, तुम लोग ही मुझे बताओ। तुम पांचों इस कंबल के अंदर आते ही बिल्कुल छोटी बच्चियों क्यों बन जाती हो? तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी न जाने कंबल का नाम सुनते ही तुम तीनों इतना बुरा बर्ताव, लड़ाई झगड़े क्यों शुरू कर देती हो? तुम पांचों जानती हो कि हमारे घर में ये तंगी सिर्फ तुम्हारे पतियों की गैर मौजूदगी की वजह से हो रही है। अभी तो हमारे घर में ढंग से खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में तुम एक दूसरे का साथ देने की बजाय छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ रही हो। जरा सोचो तो सही कि इस एक कंबल ने तुम सभी के बीच में कितनी फूट, कितनी नफरत पैदा कर दी है। अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुओं की नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। हमें माफ कर दो माँ, सर्दी हमारे शरीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से हम इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे। हाँ सासू माँ, जो मौसम कभी हमारे लिए सुहाना होता था, आज वही हमारे पतियों के दूर होने की वजह से हमारे ऊपर अभिशाप हो गया है। और पहली बार हमने इतनी सर्दी को महसूस किया है, इसलिए हम अपना दिमाग खो बैठे थे। लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सभी अब बहुत मिलजुल कर रहेंगे। जी माँ, अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। अब आप भी प्लीज वापस आ जाइए, ऐसी ठंडी चादर के अंदर सोने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी समझाई हुई बातें समझ आ गई। अब आगे से कभी भी लड़ाई मत करना, हालातों को समझकर उनमें गुजारा कर लेना। अपनी सास की बात पर पांचों बहुओं ने अपनी गर्दन हिला दी। अब उन पांचों को सब कुछ समझ आ चुका था और अब से उन्होंने फिर कभी कंबल वगैरह पर लड़ाई नहीं की। और कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी कम हो गई तो आशा के बेटे भी शहर से लौट आए और उन्होंने अपने घर की सारी तंगी को दूर कर दिया और उसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा। काली बहू की सौतन लाई दहेज में हीटर और कंबल। तुम में कुछ शर्म लाज बची है या नहीं? शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपने पोता पोती की शक्ल नहीं देखी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं 5 साल से माँ नहीं बन पा रही हूँ? बांझ औरतों को कभी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होता है। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैं तुझे इस घर की बहू बना कर ले आई। एक तो ये रूप रंग में काली, गरीब, ऊपर से बांझ। ना जाने पिछले जन्म में मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे जो तुझ जैसी बहू मेरी किस्मत में भगवान ने लिख दी। माँ, आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी इस कलमुही से मेरी शादी करवा के। अरे कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे कल्लू माई का पति कहकर चिढ़ाते हैं। इतना कहकर अमन बेल्ट लेता है और अपनी माँ के सामने ही बेरहमी से अपनी पत्नी को मारने लगता है। आह माँ जी, बचाइए मुझे। तुम जैसी के साथ तो यही होना चाहिए, बेटा और मार इसे। किरण एक गरीब परिवार से होती है, वहीं रंग रूप से काली होने की वजह से किरण को हमेशा से उसके ससुराल वालों की तरफ से ताने सुनने को मिलते थे। वहीं शादी के 5 साल तक माँ ना बन पाने की वजह से उसकी किस्मत में बांझ शब्द भी जुड़ जाता है। किरण की सास और उसके पति उस पर दिन रात अत्याचार करते हैं, लेकिन बेचारी किरण सब कुछ सहती है। अरे अंजना बहन, कैसी हो तुम? आजकल कहीं दिखाई नहीं देती।
क्या करूं, जब से मेरी बहू दहेज में वो बड़ा वाला हीटर लेकर आई है ना, तब से मैं तो पूरा दिन उस हीटर के सामने ही बैठी रहती हूँ। इस कड़ाके की सर्दी में हीटर के सामने से निकलने का मन ही नहीं करता। और तो और, आज मेरी बहू ने सुबह सुबह मुझे खुशखबरी दे दी, अब तो मैं कुछ ही महीनों में दादी माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है। तुम तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो तुम्हारी बहू दहेज में हीटर लेकर आई है, ऊपर से तुम्हें इतनी जल्दी खुशखबरी भी दे दी। हर एक मेरी किस्मत है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, वो अपने तिलक नगर वाले राय साहब है ना, उनकी बड़ी बेटी आराधना अभी अभी पढ़ाई करके विदेश से लौटी है, बड़ी ही सुंदर है और इतने अमीर परिवार की है। मैं तो कह रही हूँ इस लड़की को अपने घर की बहू बना ले, वरना इतनी अच्छी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। लेकिन कैसे अंजना, तुम तो जानती हो ना कि मेरे बेटे की शादी हो रखी है। तो क्या हुआ, तुम राय साहब को कुछ मत बताना, एक बार शादी हो जाएगी तो कोई क्या ही कर लेगा। अंजना की बात मन ही मन सोचते हुए संगीता घर आती है। माँ जी आप आ गई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपने इन काले मनहूस हाथों से मुझे चाय देने की। तुझे मैंने कपड़े धोने के लिए कहा था, वो धोए या नहीं? माँ जी आप तो जानती हो ना कि बाहर कितनी सर्दी है और घर का गीजर भी खराब हो गया है, इतनी ठंड में मैं ठंडे पानी से कपड़े कैसे धोती। अच्छा तो अपने उस गरीब बाप से कहकर गीजर मंगवा लेना, दहेज में तो तेरे माँ बाप की हैसियत हुई नहीं कि एक फूटी कौड़ी भी दे। अरे अंजना की बहू को देख, दहेज में इतना सारा सामान और बड़ा वाला हीटर लेकर आई है, अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और उसने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी। माँ जी अगर आपको मुझसे इतनी ही तकलीफ थी तो आपने मुझे अपने घर की बहू बनाया ही क्यों। बहू का ऐसा जवाब सुनकर संगीता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और कड़ाके की सर्दी में बाहर खड़ा कर देती है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती है जिसके चलते किरण ठंड से कपकपा रही होती है, लेकिन संगीता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन, अरे आराधना बहू आराम से अंदर आओ। माँ जी ये क्या, हमारे स्वागत के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया है। वो बहू तुम्हारी और अमन की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना, इसीलिए किसी मेहमान को बुला ही नहीं पाई। संगीता ने अपने बेटे अमन की शादी आराधना से करवा दी थी जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, और दहेज में काफी सारा सामान जिसमें हीटर और कंबल भी थे ये सब कुछ लेकर आई थी। आराधना जैसे ही अमन के साथ घर के अंदर आती है वैसे ही सामने से किरण आ जाती है। माँ जी ये कौन? अरे बहू ये हमारे घर की नौकरानी है, हमारे साथ ही रहती है। किरण कुछ बोले उससे पहले ही संगीता और अमन किरण को आंखें दिखा देती है जिसके चलते किरण कुछ भी नहीं कह पाती। संगीता और अमन आराधना को कमरे में छोड़कर किरण के पास जाते हैं। ये आपने क्या किया, आपने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी नहीं करता तो और क्या करता हा? तो जैसी काली बांझ गरीब लड़की के साथ रहकर क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने आराधना बहू से अपनी रमन की शादी के बारे में कुछ भी कहा तो उसी वक्त मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, फिर रहना अपने गरीब माँ बाप के साथ उस झोपड़पट्टी में। अपने माँ बाप की बेइज्जती होने के डर से किरण आराधना से कुछ भी नहीं कहती और अपने टूटे दिल के साथ अपने सौतन के साथ एक ही घर में रहती है। मेरे हाथ तो सूज रहे हैं, ऐसे में मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, बाहर हॉल हीटर रखा है उसके पास जाकर थोड़े हाथ ताप लेती हूँ। किरण जैसे ही हीटर के पास जाकर आग तापने लगती है कि तभी संगीता गुस्से में आती है और किरण को हीटर के सामने से धक्का दे देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हीटर के सामने आकर खड़े होने की, तू जानती भी है ये कितना महंगा है। अगर इतना ही शौक है तो अपने बाप से कहकर ये हीटर लगवा ले, इसे मेरी अमीर बहू लेकर आई है। और देख ये कम्बल भी कितना मुलायम है ना, लेकिन तेरी औकात कहाँ है इन सब चीजों को खरीदने की। क्या हुआ माँ जी, आप इस नौकरानी पर चिल्ला क्यों रही है? नौकरानी की हिम्मत तो देख, तेरे हीटर के सामने खड़ी होकर हाथ ताप रही थी। तो माँ जी क्या हुआ, ठंड का मौसम है और देखिए उसके हाथ कैसे सूजे हुए हैं, थोड़ी देर हाथ ताप लिया तो क्या हुआ? अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा यहाँ से दफा हो जा। किरण अपने आंसू को छुपाती हुई किचन में जाती है और सूजे हुए हाथों के साथ ही काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, सुनो तुम शादीशुदा हो
लेकिन तुम हमारे साथ इस घर में रहती हो, लेकिन तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं बोलता क्या? वो, अरे बहू, इसका पति गाँव गया हुआ है ना, इसलिए हमारे साथ रहती है। जब आ जाएगा तो अपने पति के साथ रहेगी। तुम्हें कुछ चाहिए था? वैसे तू कहीं बाहर जा रही है? हाँ माँ जी, वो मेरा कंडीशनर खत्म हो गया था तो मैं वही लेने जा रही थी। तू आराम कर, मैं तेरा कंडीशनर ले आती हूँ, ठीक है? और तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा, जाकर काम कर। अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर आराधना को काफी अजीब लगता था। आराधना हमेशा नोटिस करती थी कि उसकी सास और उसका पति ना ही तो उसे कहीं बाहर जाने देते हैं और ना ही किरण से बात करने देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या, ये डाटा केबल तो खराब हो गई, ये भी काम कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर ले आती हूँ। आराधना डेटा केबल लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है। अरे बेटा, तुम कौन हो? इस मोहल्ले में तो मैंने कभी तुम्हें पहले नहीं देखा। वो मैं मिश्रा परिवार की बहू हूँ। मेरी और अमन की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई, इसलिए आप सबको इनवाइट करने का मौका नहीं मिला। क्या तुम मिश्रा परिवार की बहू हो, अमन की पत्नी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों काकी, क्या हुआ? आराधना के पूछने पर शांति अमन और किरण की शादी के बारे में आराधना को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर आराधना को संगीता और अमन की चालबाजी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और वो गुस्से में घर जाती है और देखती है कि कैसे अमन और संगीता किरण पर अत्याचार कर रहे हैं। रुक जाइए आप दोनों। आराधना बहू, मुझे बहू मत बोलिए। मैं आपकी और अमन की चाल समझ चुकी हूँ कि कैसे आपने मुझसे धोखे से अपने बेटे की शादी करवाई। आपके बेटे की तो शादी पहले से हो चुकी है, और ये किरण इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि आपकी पहली बहू है। आराधना, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो किरण की है, जो उसने अपने साथ इतना सब कुछ होने दिया। किरण, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन ये जो सब हो रहा है वो बहुत गलत है। तो ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? तुम एक औरत हो, और एक औरत किसी की मोहताज नहीं हो सकती। तुम कहीं पर भी काम करके पेट पाल सकती हो। आराधना, मैं तो तुम्हें अपनी सौतन मानती आई थी, लेकिन तुम तो मेरी बहन निकली। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई। अब मैं लड़ूंगी और अपने हक के लिए लड़ूंगी। आराधना पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद पुलिस संगीता और अमन को जेल में बंद कर देते हैं और उन दोनों को उनके किए की सजा मिलती है। वहीं अब किरण भी अपना खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलती है और अपना पेट पालती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अपराधी अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए हमें हमेशा खुद के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।